नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से है। बता दें कि बरसात शुरू हो चुकी है और बरसात के साथ शुरू हो चुका है संक्रामक बीमारियों का दौर, पर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ मिलकर मच्छर जनित बीमारियों को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल के द्वारा लखनऊ नगर निगम के साथ मिलकर कुछ नए प्रयोग चलन में लाए जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन से छिड़काव और गंबूसिया मछली के साथ जगह जगह पर मच्छरों का लार्वा नष्ट करने की तैयारी पूरी कर दी गई है। बरसात थमते ही युद्ध स्तर पर ये दोनों काम कराए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण जनता से जुड़े मुद्दे पर लखनऊ सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने सी न्यूज भारत पर पूरी जानकारी देते हुए कहा कि ये काम मच्छरों की समस्या बहुत हद तक कम कर सकेगा। आपको बता दें कि लखनऊ सीएमओ लखीमपुर में अपनी तैनाती के दौरान गंबूसिया मछली का सफल प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। आप अवगत हैं कि वर्षा काल प्रारंभ हो गया है और वर्षा काल जो है वो संचारी रोगों का संक्रमण कार्य होता है, तो पूरे प्रदेश की भांति हमारा जनपद भी संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इसमें हमको शासन प्रशासन स्थानीय स्तर पर नगर निगम की पूरी मदद और सहयोग मिल रहा है। हम लोग साथ साथ टीमें बना के घर घर पे हम लोगों ने दस्तक अभियान के अंदर संपर्क स्थापित किया और जो सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान चल रहा था उसमें भी लगातार हमारा कार्य चल रहा है। नगर निगम द्वारा पानी को विसंक्रमित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पे भी कोई परेशानी आ रही है वहाँ पे टैंकर्स द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। हमारी आशा एनएम द्वारा घर घर ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट्स दी जा रही हैं। टीमों द्वारा नालियों में रुके हुए पानी में लगातार छिड़काव की कार्रवाई चल रही है और नगर निगम द्वारा फॉगिंग की कार्रवाई भी चल रही है। और एक अभिनव प्रयोग हमारे द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के सहयोग से हम लोग ड्रोन के द्वारा बड़ी वाटर बॉडीज जहाँ पर ज़्यादा पानी कलेक्टेड है वहाँ पे ड्रोन के द्वारा एक MLO मलेरिया लार्वाइसाइडल ऑयल है जिसका हम लोग छिड़काव ऊपर से करा रहे हैं। बाकी गंबूसिया मछलियों से बहुत सारे तालाब पोषित किए जा रहे हैं जिससे कि लार्वा का अंत तालाब में ही हो जाए। घर घर स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग के सहयोग से क्वेश्चनर्स भेजे जा रहे हैं, यानी प्रश्नोत्तरी अपने पेरेंट्स के लिए भेजी जा रही है जिसमें बचाव के सारे बिंदु लिखे हुए हैं और उसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों को जवाब देना है कि क्या वो अपने घर को मलेरिया डेंगू या संचारी रोग या डायरियल डिजीज से बचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रिस्पांस हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा हम लोगों के कंट्रोल रूम भी स्थापित हैं। नगर निगम का कंट्रोल रूम है, CMO कार्यालय कंट्रोल रूम है, DM कार्यालय कंट्रोल रूम है और कमिश्नर मैडम जो है वो भी हम लोगों को लगातार सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ में। तो एक सामूहिक कार्रवाई करके हम लोग अपने नगर को संचारी रोगों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरी एक बहुत अपील आपके न्यूज़पेपर के आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरजनों को है कि आप भी अपने घर में जो सरकार द्वारा बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है, जो बार बार बताया जाता है, उन बिंदुओं को अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका अपना घर और आपके पड़ोस के घर भी संचारी रोगों से बचे रहेंगे। तो आपका सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है और मदद के लिए और सहायता के लिए और प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए पूरा स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार काम पे लगा हुआ है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।